लगे और यहाँ एक्ट्रेसेस का झक्कास लुक्स आपको हमेशा ही हम दिखाते आए हैं। यहाँ पर बॉलीवुड हसीनाओं का जादू कैसे लोगों को हमेशा उनकी तरफ आकर्षित करता है ये भी हम आपको बताते आए हैं। तो वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के झक्कास सेलेब्स की झक्कास लाइफस्टाइल के बारे में भी हमेशा ही हम आपको इस प्रोग्राम में लेकर आते हुए दिखाते आए हैं। तो दोस्तों आज फिर से बॉलीवुड झक्कास स्पेशल प्रोग्राम के बेहद स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी खबरें जिसका आप सभी को हमेशा रहता है इंतजार। आज बॉलीवुड के झक्कास देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को लेकर लाए हैं हम कुछ नई अपडेट्स। निक जोनस ने किस तरह से एक बार फिर से अपनी पत्नी देसी वाइफ प्रियंका चोपड़ा को अपनी तरफ आकर्षित किया। निक जोनस एक के बाद एक पोस्ट के जरिए कैसे अपनी वाइफ प्रियंका चोपड़ा को हर तरह से सरप्राइज दे रहे, हनीमून कैसे इंजॉय कर रहे हैं। निक और प्रियंका ईशा अंबानी की शादी के लिए उदयपुर में जिनका खास जलवा देखने को मिला, वहीं निक का डांस देखने को सभी को था इंतजार। ऐसे में डांसिंग पोज में नजर आए हैं निक जोनस अपनी संगीत सेरेमनी में। ये तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे, वो ग्लिम्स दिखाएंगे निक जोनस की जिसमें निक अपने भाई जो जोनस और केविन जोनस फ्रेंकी जोनस के साथ साथ अपने पापा पॉल जोनस के साथ नजर आए हैं फुल इंडियन ट्रेडिशनल अटायर। संगीत सेरेमनी के बीच जमकर डांस का तड़का लगाने के लिए कैसे बाराती फैमिली तैयार था इससे जुड़ी नई तस्वीर आई है सामने। तो इस बारे में आज बॉलीवुड झक्कास के स्पेशल एपिसोड में हम करने वाले हैं बात निक जोनस के डांस को लेकर, साथ साथ में अंबानी फैमिली में विदेशी दामाद निक जोनस के खास अंदाज के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे निक जोनस ने दिया है तगड़ा झटका बॉलीवुड सितारों को अपनी शादी से लेकर अंबानी फैमिली के रिचुअल्स को लेकर वहां पर कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, इन सब से जुड़ी खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो अब इंतजार किस बात का, प्रोग्राम की शुरुआत के साथ बढ़ते हैं अब रिपोर्ट्स की तरफ, जानते हैं ये दिलचस्प बातें निक जोनस को लेकर। बॉलीवुड के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा टैलेंटेड अभिनेत्रियों का जब नाम सामने आता है तो एक नहीं दो नहीं ऐसी कई हसीनाएं होती हैं जो अपने ज़माने में एक्टिंग से लेकर टैलेंट का परचम लहरा चुकी होती है। लेकिन फिलहाल बात करें अगर 36 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग और अपने टैलेंट के जरिए पूरी दुनिया में राज कर रही एक ऐसी एक्ट्रेस की, तो वो हिंदी फिल्म जगत की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें फोर्ब्स मैगज़ीन लिस्ट के अकॉर्डिंग द 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में नाम दर्ज करने का मौका मिल चुका है। जी हाँ, 94th पोजीशन पर नाम दर्ज है प्रियंका चोपड़ा का जिन्होंने शादी रचाया है अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ। वह अपनी शादी में खूब नाचने वाले निक और प्रियंका को देखा ही होगा आपने इस खास अंदाज में। अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हो तो इनकी संगीत सेरेमनी की ये तस्वीरें हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है निक और प्रियंका जो अपने झक्कास अंदाज को लेकर चर्चा में रहे उन्होंने इसके अलावा किस तरह लोगों का दिल जीता नहीं मालूम होगा आपको। लेकिन देखिए ना, यहाँ निक जोनस अपनी पूरी फैमिली के साथ डांस के लिए फुल मूड में, अपने पापा जो जोनस अपने भाई जो जोनस और अपने पापा पॉल जोनस केविन जोनस अपने भाई फ्रेंकी से लेकर हर उस खास सदस्य के बीच नजर आए हैं प्रियंका और उसके परिवार को हराने के लिए। लेकिन अफसोस, एक तरफ है प्रियंका दूसरी तरफ है निक, लेकिन बारंबार दोनों ने जमकर नाच करने के बाद नाच गाना करने के बाद अपनी संगीत सेरेमनी में निक ने प्रियंका चोपड़ा के सामने हार स्वीकार किया। जो जोनस ने इसका खुलासा न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद अपने भाई निक की शादी के बारे में बात करते हुए किया। उन्होंने कहा, ब्राइड और उनकी फैमिली यानी कि प्रियंका और उनकी फैमिली ने संगीत सेरेमनी में उन्हें हरा दिया था डांस का तड़का लगाकर, और इस हराने वाले सेलिब्रिटीज़ में कोई और नहीं बल्कि प्रणीति चोपड़ा, मधु चोपड़ा और प्रियंका रही। खैर ये बात अलग है, फिलहाल बात करें अंबानी फैमिली में
एंट्री कर प्रियंका के देसी गर्ल अंदाज की, तो अपने सास ससुर के साथ डांस का तड़का रोका। सेरेमनी से लेकर संगीत सेरेमनी तक लगाने वाली प्रियंका ने अंबानी की पार्टी में भी अपने हस्बैंड निक जॉनस को छोड़ उनसे अलग होकर स्टेज पर अकेले ही डांस परफॉर्म किया था। तब निक जॉनस नहीं बल्कि नजर आए थे ईशा अंबानी के होने वाले हबी यानी कि आनंद पिरामल, वेल ईशा अंबानी के लवर, उनके लाइफ पार्टनर आनंद पिरामल के साथ प्रियंका ने देसी गर्ल गाने पर डांस किया, अपने फेवरेट बॉलीवुड हिट सॉन्ग पर डांस किया। देसी गर्ल रूप में सिल्वर साड़ी में वो लाजवाब नजर आई। लेकिन यहाँ बात हम करेंगे निक जॉनस की। निक जॉनस का डांस क्या आपने देखा है? नहीं देखा तो आप देख लीजिए जरा भाई। अपनी संगीत सेरेमनी में तो निक जॉनस ने जमकर डांस किया, वो भी ट्रेडिशनल अटायर में, हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल अटायर। इतना ही नहीं, मेहंदी सेरेमनी के दौरान भी निक जॉनस ने अपनी पत्नी प्रियंका के भाइयों के गोद में कंधे पर चढ़कर डांस किया था, दोनों हाथ उठाकर। इतना ही नहीं, प्रियंका का हाथ थाम कर भी गाना गाते हुए झूमते नजर आए थे निक। लेकिन बात करें अगर क्रिश्चियन वेडिंग के अनुसार उनकी शादी के बाद डांसिंग नाइट की, तो शादी वाले रिसेप्शन नाइट पर भी शाम में दोनों का डांस का तड़का देखने को मिला था। इसके अलावा निक जॉनस ने प्रियंका के साथ बॉलीवुड डांस के जरिए कई और मौके पर खूब दिल जीतने की कोशिश की। हर किसी के दिल को जीतने की कोशिश में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन इसके अलावा बात करें शादी के बाद उन दोनों के अलग अलग अंदाज, तो यह आपको शायद ही मालूम होगा कि निक और प्रियंका जिनकी जोड़ी शादी में रंग जमाती नजर आई थी, उन्होंने शादी के बाद अलग ही रूप लिया। शादी के बाद भी दोनों का डांसिंग अंदाज कायम है भाई। पहले रिसेप्शन से लेकर दूसरे रिसेप्शन तक दोनों का डांस आपने शायद ना देखा हो। लाल रंग के गाउन में प्रियंका चोपड़ा सजकर तैयार थी और उनकी कमर को देख, उनके कमर के लचकाने वाले अंदाज को देख निक जॉनस ने भी दोनों हाथ हिलाकर खूब डांस किया, बिल्कुल इंडियन देसी स्टाइल। वेल उनका ये डांस देख सकते हैं आप ब्लेजर में, ग्रेश ब्लेजर और पैंट के साथ, व्हाइट शर्ट के साथ निक जॉनस ने कैसे डांस किया। वही कपल अंदाज में भी निक जॉनस डांस करते नजर आए थे। इसके अलावा अंबानी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रियंका के साथ डांस करते नजर नहीं आए थे निक जॉनस। लेकिन एक मौका था जब प्रियंका के साथ उन्होंने उनके पीछे डांस करने के अंदाज में पोज जरूर दिया था भाई। हम बात करें उस वक्त की जब निक और प्रियंका को आपने डांस करते साथ एक ही फ्रेम में ज़रूर देखा होगा। नहीं होता है आपको यकीन तो ये खास तस्वीरें देखकर आप ज़रूर समझ गए होंगे। जी हाँ, हम वही कहना चाहते हैं जो आप, वो मौका जब प्रियंका और निक स्टेज नहीं बल्कि स्टेज से नीचे उतरकर डीजे नाइट के दौरान डांस करते नजर आए। दोनों को डांस करते हुए देखा गया, दोनों डांस करते हुए काफ़ी खुश भी नजर आए। लेकिन इसके अलावा इन दोनों का डांसिंग सिलसिला जारी तो रहा, लेकिन साथ साथ में खुलकर झूमते हुए डांस करते इन्हें स्पॉट नहीं किया गया। रीज़न ये थी कि यहाँ बॉलीवुड सितारों के बीच प्रियंका कुछ ज़्यादा ही खोई हुई थी। अगर आप गौर कर रहे हो तस्वीरों पर, तो अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों को तो देखिए ज़रा, जहाँ पर बॉलीवुड सितारों का तड़का लगा करिश्मा से लेकर ऐश्वर्या, प्रियंका से लेकर दीपिका, वहाँ पर प्रियंका के पीछे निक कहीं और ही खोए नजर आए थे। ब्लैक सूट में, फूलों वाले डिज़ाइन वाले सूट में निक जॉनस लाजवाब लग रहे थे, लेकिन डांस की कमी दिखाई दी थी जो किसी तरह डांस करने के पोज में सिर्फ नजर आए। दोस्तों ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड झक्कास, जिसमें हमने आपको दिखाया और आपने देख ही लिया होगा निक जॉनस का वो इंडियन एचआईआर, इंडियन देसी बाबू की तरह विदेशी दामाद जो बनते नजर आए भाई। उनका वो ठहाके लगाना, वो उनका डांस करना, वो प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आना, उनके रेपुटेशन का ख्याल रखना, उनका रिस्पेक्ट करना, अपनी फैमिली के साथ अपने ससुराल वालों को समझना, अंबानी फैमिली के बीच प्रियंका के मान सम्मान को समझते हुए एक
यंग देसी बाबू की तरह कैसे उन्होंने दामाद रूप में सबके बीच जमकर तारीफें लूटी होगी। इससे जुड़ी खास झलक से हमने आपको रूबरू कराया, तो अब यहीं पर हो चला है वक्त आपसे इजाजत लेने का। लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड झक्कास के अगले एपिसोड को लेकर। सोशल मीडिया पर इसी तरह निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा कैसे अपना प्यार इजहार करते हुए नजर आए हैं फैंस के बीच, मैगजीन कवर फोटोशूट्स के जरिए कैसे इनका प्यार एक नए नए रूप के साथ, एक नए रंग और रूप के साथ सामने आ रहा है, यहाँ आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।